चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, चिराग और काव्या। तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 आपने इस देश की सबसे टैलेंटेड सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, चाहे वो श्रीदेवी जी हो या वो जया प्रथा जी हो या वो रीना जी हो। तो सर आपको कैसा लगेगा अगर आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस एक साथ इस मंच पे आए आपसे मिलने? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आ रही हैं जितेंद्र सर की लीडिंग लेडी। सोनाक्षी की मम्मा इतनी प्यारी नागिन लग रही है। कसने के लिए तैयार। अरे दिबुष्मिता की मम्मा आपके जया जी बनी है क्या? रीना जी का वो सॉन्ग शीशा हो या दिल हो, इससे मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ। इट वॉज माई ड्रीम सर, आई एम योर ह्यूज फैन, ह्यूज फैन, ह्यूज फैन सर। आई मस्ट से सिंसियरली एंड जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ दिस शो टुडे। सो स्वीट। इट डजंट एंड देयर, एंड द आइसिंग वॉज दिस।
What a spirit. Let us give a big hand to everybody. Let us give a big hand. Sir, thank you. हमारे फेवरेट जीतू जी के साथ एक फोटो चाहते हैं हम. का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा. हमारी मम्मियों के लिए एक बार जोरदार ताले हो जाए. तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, पापा शिवम और शेजूती दास. देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे देखे उसने के लदाने देखे दिन के बहाने देखे दिल में जो तू आ गया. सजनी पे दिल आ गया, क्यों सजनी पे दिल आ गया.
जजेस और ऑडियंस, ये एक नॉन कंपेटिटिव एक्ट था। बहुत बढ़िया। इट इज सो थ्रिलिंग एंड सो एंटरटेनिंग। I have no words. You both have done a marvelous job and done full justice to the song. क्या बात है? Thank you so much. एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं सेहरा में जूनियर आर्टिस्ट था। अभी वो बीकानेर में वहाँ गए थे। पूरा यूनिट साथ में जाता था। शांताराम जी, संध्या जी, मुमताज वो साइड इन देर, और हम, मैं एकदम जूनियर आर्टिस्ट था। टेरिस पे खाना खाते थे, पूरा स्टाफ, शांताराम जी, संध्या ऐसे बैठते थे, हम लोग इवन लाइट बॉयज, स्पॉट बॉयज सब बैठते थे। फिर वो खाना परोसते हैं ना पत्ते में, ऐसे दिया करते थे। वो 8 बजे का टाइम होता था कि आप शूटिंग के बाद नहा धो के 8 बजे आके खाना खाना है सबने। मैं कहीं आधा घंटा लेट हो गया होगा, तो मुमताज़ की ग्रैंड मदर ने कहीं कंप्लेन कर दी, ये लड़का घूमता रहता है इधर उधर मेरे बारे में। तो शांताराम जी को ऐसी चाबी दी तो वो भड़क गए। जैसे ही मैं आया, चलो इसको निकाल दो, इसको बॉम्बे भेजो, आपको इसकी शक्ल नहीं देखने की, इतना गुस्सा। मेरे को भी गुस्सा आया, नौकरी एक्स्ट्रा की और रोब इतना बड़ा। तो मैं वहाँ अपना बिस्तर होता था, वो बेडिंग अपना ही लेके जाना पड़ता था। तो मैं वहाँ के बैठा बहुत सोचा। फिर मैंने मेरे घर के आसपास किसी के पास फ़ोन था, मेरे फादर को फ़ोन किया। अभी पंजाबी मैन यू नो हाउ दे टॉक। डैडी को फ़ोन किया, डैडी मैं आधा घंटा लेट आया, मुझे सबके सामने इतनी डांट दिया, बोला इसको निकाल दो, वहाँ भेज दो। तो मेरे फादर ने जो बोला, दैट चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। उन्होंने बोला, आ जा दादे, मेरी गोद में आके बैठ जा। मैं डर गया, इधर निकाल रहे हैं वो, उधर गाली पड़ रही है, मैं जाऊं कहां? तो सुबह 7 बजे शूटिंग पे निकलते थे सब। तो मैंने मेकअप मैन को बोला, मेरा मेकअप कर दे। बोला, नहीं नहीं, हमको बोला तेरे मेकअप नहीं करना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं संभाल लूँगा। मैं 6 बजे मेकअप करके, वो जो उनका जो जूनियर आर्टिस्ट का ड्रेस पहन के, शांताराम जी कमरे बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही वो बाहर निकले, चल चल, ऐसे खुश हो गए। उसके बाद मैंने चमचागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी चमचागिरी की, मुझे जो बोला वो किया, मुझे बोला संध्या का डुप्लीकेट, वो सब किया। अभी आप सुनने, किस्सा सुनने का ये है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, माँ बाप की गाली भी आपके लिए आशीर्वाद है। आज अगर मेरे फादर मुझे बोलते, आ जा बेटा, वो कोई नहीं, लाड़ करते मेरा, और बोलते आ जा बैठ जा, तो मैं ठेला भी नहीं लगा सकता था। सी द फेट, फादर की गाली का कितना आशीर्वाद था। क्या बात, मैं सबको बोलता, अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होना। वाह वाह वाह, कुछ होगा नहीं कभी जिंदगी में जब तक आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपको नहीं है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.